नमस्कार, तो उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत जनपद सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में, पिथौरागढ़ में एनसीसी बटालियन का आज एनसीसी निदेशालय के उप महानिदेशक मेजर जनरल अतुल रावत द्वारा वार्षिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल बीएस तड़ागी, सूबेदार मेजर प्रताप सिंह बुंगला व कैडेट्स द्वारा मेजर जनरल का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान एसआईटी के निदेशक प्रोफेसर अजीत सिंह व जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार मिश्रा तथा एनसीसी अधिकारियों और सेना के अधिकारियों के परिचय के उपरांत वर्ष भर बटालियन द्वारा आयोजित शिविरों, गतिविधियों तथा उपलब्धियों पर विस्तृत ब्यौरा उप महानिदेशक के सम्मुख रखा गया। राजकीय इंटर कॉलेज तिवलथल के एएनओ कैप्टन कुंदन सिंह धामी का मेजर रैंक में पदोन्नति पर उन्हें रैंक प्रदान किया गया। उप महानिदेशक द्वारा सराहनीय कार्यों के लिए एनसीसी अधिकारियों, कर्मियों व कैडेट्स को सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले में एनसीसी अधिकारी बीआर कोहली, सीएचएम लोकेंद्र सिंह, ललित सिंह, आर्थिक भट्ट, मनीषा धामी, हर्षित जोशी, मानसिक भंडारी को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इससे पूर्व कार्यक्रम के दौरान कैडेट्स द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। पिथौरागढ़ के नर्सिंग कॉलेज में संस्थान के प्राचार्य आशुतोष कुमार व लीड बैंक अधिकारी प्रवीण गर्ब्याल की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को साइबर क्राइम और उससे बचाव सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। इस दौरान लीड बैंक अधिकारी गर्ब्याल द्वारा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देने के साथ ही विद्यार्थियों के लिए बैंक खाते की अहमियत के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर कई विद्यार्थी मौजूद थे। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के निकट पपदेव गाँव में फायर कर्मियों व स्थानीय लोगों की त्वरित कार्रवाई के चलते फैलती आग पर काबू पा लेने से काफी नुकसान होने से बच गया। मंगलवार की सुबह नरेश वर्मा के तिमंजिले मकान में अज्ञात कारणों के चलते तीसरी मंजिल में आग लग गई, जो तेजी से फैलते हुए दूसरी मंजिल तक पहुंच गई। धुआं उठते देख लोगों ने फायर सर्विस को सूचना देने के साथ ही आग पर काबू पाना शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची फायर टीम ने मशक्कतों के बाद तेजी से फैल रही आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़ी घटना होने से बच गई। आग की चपेट में आने से भवन स्वामी का लाखों का नुकसान होना बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची राजस्व टीम द्वारा क्षति के आंकलन की कार्रवाई की गई। ग्राम प्रधान सुनीता देवी ने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने की बात कही है। पिथौरागढ़ में जिला विकास प्राधिकरण द्वारा ग्रामीणों को नोटिस जारी किए जाने पर ग्रामीणों में नाराजगी व्याप्त है। उन्होंने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपर जिलाधिकारी से भेंट कर नोटिस वापस लिए जाने की मांग की। सामाजिक कार्यकर्ता सागर सिंह बिष्ट और सोनम पांडे के नेतृत्व में एटीएम से भेंट कर ग्रामीणों ने कहा कि प्राधिकरण के गठन से पूर्व बने भवन स्वामियों को विभाग द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जो सरासर गलत है। उन्होंने इस तरह की कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाने व नोटिस वापस लिए जाने की मांग की है। मांग पर गौर न किए जाने पर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। पिथौरागढ़ कैंपस में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं द्वारा लक्ष्मण सिंह महर परिसर में व्यवस्थाओं में सुधार की मांग को लेकर निदेशक डॉक्टर हेमचंद पांडे के माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया। इस दौरान एबीवीपी के नगर मंत्री तिलक राज पाठक ने कहा कि कैंपस और महाविद्यालय का मामला लटका होने से छात्र छात्राओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने स्थिति स्पष्ट करने पर रिक्त पदों को भरे जाने सहित अन्य मांग की। इस अवसर पर इंदर सिंह बत्याल, यश पंगरिया, राहुल पंगरिया, कमलेश जोशी, मनोज मेहरा सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। पिथौरागढ़ के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेरीनाग का एनएसएस विशेष शिविर रंगारंग कार्यक्रमों के साथ संपन्न हो गया। समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डीपी भट्ट ने नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों को सदैव मानव जीवन में परिलक्षित करने के लिए स्वयंसेवकों को प्रेरित किया। इस दौरान केशव कुमार ने स्वयंसेवियों को प्लास्टिक से होने वाली बीमारियां व बचाव के बारे में जानकारी दी। पूरन चन्याल ने स्वयंसेवियों के कार्य की सराहना की। गौरव कुमार एवं भावना कार्की को सर्वश्रेष्ठ शिविरार्थी घोषित कर मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर मीनाक्षी गोस्वामी, डॉक्टर अंजलि देवी, डॉक्टर पी एस मेहरा, डॉक्टर बीना लोहिया, डॉक्टर विनीता, डॉक्टर बबीता गुंजाल, डॉक्टर रश्मि पंत सहित अन्य लोग मौजूद थे। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स और ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। पिथौरागढ़ के न्यू लिंक रोड स्थित निखिलेश्वर चिल्ड्रन एकेडमी में प्रवेश प्रारंभ।
पिथौरागढ़ नगर की कैंट रोड स्थित स्वर्गीय श्रीमती भावना गुलेरिया मेमोरियल पब्लिक स्कूल में इस वर्ष एडमिशन फीस माफ व मासिक न्यूनतम फीस के साथ अपर केजी से सैन्य विज्ञान विषय की पढ़ाई, अन्य विद्यालय से आने वाले विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष मुफ्त ड्रेस, प्री स्कूल सुविधा सहित कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। पिथौरागढ़ के धारचूला में उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह द्वारा फायरलेस हिमालय अभियान का शुभारंभ किया गया। सिविल सोसाइटी वरदान सेवा संस्था द्वारा अभिलाषा समिति के नेतृत्व में स्वयंसेवी संस्था द्वारा वनाग्नि विहीन हिमालय जागरूकता अभियान को SDM ने पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण बताया। इस दौरान वीडियो दुर्गाराम आर्या वन क्षेत्राधिकारी दिनेश जोशी द्वारा कार्यक्रम की सराहना की गई। इस अवसर पर सुमन वर्मा, डॉक्टर अमीर आलम, डॉक्टर नवाज सिंह, नरेंद्र राम बंदरोगा, गंगा बल्लभ जोशी, कमल बिस्ट, CDPO लक्ष्मी ग्वाल, हेमलता जंग, जगदीश प्रसाद, शुभम नाथ सहित अन्य लोग मौजूद थे। संचालन वरदान सेवा संस्था के उमेश प्रसाद द्वारा किया गया। मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री की रोकथाम को लेकर अल्मोड़ा SSP देवेंद्र पिंचा के आदेशानुसार पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है, जिसके तहत प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रानीखेत हिमांशु पंत के नेतृत्व में रानीखेत पुलिस व प्रभारी SOG सुनील सिंह धानी को प्रभारी ANTF सौरभ कुमार भारती द्वारा बीती रात चेकिंग के दौरान रानीखेत क्षेत्र में एना गांव के निकट पगवाली पोखर की ओर से आ रहे वाहन एक पिकअप को रोकने का इशारा किया गया तो वाहन चालक अचानक वाहन को रोककर वापस मोड़ने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर ही रोक लिया गया। वाहन चालक से पूछताछ में वाहन में अवैध शराब होने की बात पर ली गई तलाशी में कुल 120 पेटियों में 5760 पौवे अवैध देसी शराब गुलाब मार्का बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर वाहन चालक आरोपी कुंदन सिंह कनवाल उम्र 34 वर्ष निवासी लोअर माल रोड खत्याड़ी अल्मोड़ा को गिरफ्तार करते हुए अवैध शराब परिवहन में प्रयुक्त वाहन पिकअप को सीज किया गया। भारी मात्रा में अवैध चरस के साथ एक महिला व पुरुष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। SSP देहरादून के आदेशानुसार नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए चेकिंग के दौरान सीवर प्लांट तिराहे के पास से दो आरोपियों एक पुरुष और एक महिला को अवैध मादक पदार्थ 501 ग्राम व 540 ग्राम कुल 1 किलो 41 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के विरुद्ध NDPS एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आरोपियों से पूछताछ में देहरादून के शिक्षण संस्थानों के छात्रों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों को चरस बेचने की बात कही गई है। गिरफ्तार आरोपियों में सौकी निवासी ग्राम जसमोर सहारनपुर उत्तर प्रदेश उम्र 26 वर्ष व सुबहाना सहारनपुर उत्तर प्रदेश उम्र 24 वर्ष शामिल हैं। 20 लाख की स्मैक के साथ जीजा व साले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नैनीताल पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार SSP प्रहलाद नारायण मीणा के आदेशानुसार प्रभारी निरीक्षक हल्द्वानी उमेश कुमार मलिक तथा प्रभारी ANTF बलवंत सिंह कम्बोज व संयुक्त टीम द्वारा हल्द्वानी के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में बीती शाम को चेकिंग के दौरान तीन आरोपियों को बाइक से स्मैक की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 223 ग्राम स्मैक बरामद की गई। पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध कोतवाली हल्द्वानी में NDPS एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में चरणजीत सिंह निवासी दुधिया नगर उधम सिंह नगर उम्र 42 वर्ष, मनीष कुमार पहेड़ी बरेली UP उम्र 24 वर्ष, हाल निवासी देवलचौड़ हल्द्वानी तथा रिंकू कश्यप निवासी दातागंज बदायूं UP उम्र 25 वर्ष शामिल है। पुलिस ने बताया कि मनीष और चरणजीत आपस में साला और जीजा हैं। मनीष हल्द्वानी रहता है, जिसे आरोपी रिंकू बदायूं से स्मैक लेकर रुद्रपुर निवासी चरणजीत सिंह को जो रोडवेज में चालक बताया जा रहा है के साथ मिलकर स्मैक को हल्द्वानी लाते हैं और बेचते हैं। बरामद स्मैक की कीमत 20 लाख रुपये आंकी जा रही है। बीते 4 दिनों से लापता युवक का शव नदी में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई की। मिली जानकारी के अनुसार मनोज कनौजिया उम्र 31 वर्ष निवासी निकट स्टेडियम अल्मोड़ा बीते 23 फरवरी को घर से विश्वनाथ अंतिम संस्कार में गया था, जिसके बाद से वो घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, जिसके बाद परिजनों द्वारा पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। पुलिस द्वारा विश्वनाथ घाट में खोजबीन की गई, लेकिन युवक का कोई पता नहीं चल पाया। वहीं आज स्थानीय लोगों ने शव विश्वनाथ घाट की नदी के मसाण की खाई में डूबा देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस व SDRF ने शव को नदी से बाहर निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू। उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल मां त्रिपुरा में बारात, बैठक, पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद।
अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपने उज्जवल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है, जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ, सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहां आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर, तो देर किस बात की। अभी संपर्क करें या चले आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा करें। धन्यवाद।